पर हम आपको सीधे लिए चलेंगे जब प्रधानमंत्री इस रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप सीधे आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में रोड शो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में ये रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खुली जीप में सवार होकर के उनके हाथ में कमल का निशान, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है, चुनाव का निशान, चुनावी निशान, कमल छाप, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित भारी जन समुदाय जो कि प्रधानमंत्री के रोड शो में दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों से बिल्कुल अटा पड़ा है प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है, उसके दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता वहीं पर हैं, विशाल बैरिस्टो से हम जुड़ते हैं और उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, ये कौन सा इलाका दौसा में है, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए लालचंद, ये मेन शहर है दौसा का, और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी थी, और मैं जितनी दूर देख पा रहा हूँ उतनी दूर तक लोगों ने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं, उनकी फोटो खींचने के लिए बेकरार है। हर वर्ग का इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं खास तौर से प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी है, और एक उत्सव का माहौल है यहाँ दौसा के अंदर। दौसा में प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार हो रहा था कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, और अब वो घड़ी आ गई है, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। सबने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं और सड़क के दोनों तरफ स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, और लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए उत्साहित है और चाहते हैं किसी तरह उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर ले। ये जो रोड शो है ये शुरू हुआ सोमनाथ सर्किल से, और करीब 1.25 किलोमीटर का ये सफर है, और इस सफर को यादगार बनाने के लिए लोग अपनी बालकनियों में आ गए हैं। मैं देख सकता हूँ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, और बुजुर्ग लोग भी हैं। एक बुजुर्ग महिला पिछले 2 घंटे से अपनी बालकनी में बैठी हुई है मेरे सामने, और अब वो घड़ी आ गई है कि जब वो देख पा रही है, और उन्होंने अपनी बहू से कहा है कि इस मोबाइल पर मोदी जी के वीडियो बनाकर मुझे दो, तो ठीक मेरे सड़क के दूसरी तरफ वो पहली मंजिल पर बैठी हुई है। तो एक बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। बीजेपी हमेशा से प्राइम मिनिस्टर पर बैंक करती है हर चुनाव में, आप देख सकते हैं शोर बढ़ रहा है, तालियां बज रही है जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। लालचंद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो दौसा है वो पहले
राजेश पायलट वहाँ के बड़े नेता होते थे, आजकल उनके सुपुत्र सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और कई तरह की बातें, कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन ये दौसा वही दौसा है जहाँ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, तो ऐसे में जो दौसा का जो चुनावी माहौल है विशाल, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखिए लालटेन, आपने ठीक कहा, दौसा राजेश पायलट का गढ़ होता था। राजेश पायलट हालांकि राजस्थान से नहीं थे, लेकिन उन्होंने दौसा को चुना। दौसा गुर्जर समुदाय भी के अच्छे खासे पैठ है यहाँ पर, लेकिन ये जनरल कैटेगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर मीणा समुदाय के लोग काफी ज्यादा है, और यही वजह है कि बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है और उनका सामना कर रहे हैं मुरारी लाल मीणा। तो ये मीणा वर्सेस मीणा की जो लड़ाई है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप शोर सुन पा रहे होंगे कितने एक्साइटेड हैं लोग, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मेरे सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है, उनके दाहिनी तरफ है कन्हैया लाल मीणा जो दौसा से बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनके बाईं तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीणा समुदाय में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, केंद्रीय राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है भजन लाल सरकार के अंदर, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ का हुजूम दौड़ा चला रहा है मेरी तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला मेरी तरफ आ बढ़ा है। लालचंद, बिल्कुल वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ में काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। ऐसी खबर है कि इस रोड शो के लिए 4 मंच हैं और 10 जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ उतनी दूर लोग जो है दोनों तरफ सड़कों के दोनों तरफ मौजूद है और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगता है विशाल की आवाज़ कहीं ना कहीं संपर्क उनसे टूट रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो बता रहे थे कि किस तरह से दौसा इलाका जो है वो राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर आज रोड शो है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहीं से देख रहे हैं, दौसा से। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो अपने आप में दौसा में, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की कहानी को बयां कर रही है। जी, लोकप्रियता की प्राइम मिनिस्टर की तो है, उसकी बात साथ साथ आपको हमें ये भी देखना होगा कि जब हम लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, तो उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि लोग किस तरह से जोग आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का रोड शो अगर आपने तमिलनाडु का भी देखा होगा, चेन्नई का भी देखा होगा, आप केरल का भी देखा होगा, आप दूसरे जगह के स्टेट के भी प्राइम मिनिस्टर का रोड शो आपने देखा है इस इलेक्शन के टाइम में, तो ये जब चीजें आपको दिखाई देती है तब आप अगर याद कीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, कल ही जो हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो कम से कम राजनीति के में जो पंडित है और राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए एक अध्ययन का विषय होगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप उस रोड शो में लोगों के उत्साह और उमंग को देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये उमंग और ये लहर लोगों ने क्रिएट किया है। जो लोग में जो आप देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस तरह से रिसिप्रोकेट करते हैं उनके अभिवादन को लेके, और बार बार उनके चेहरों पे जो आप चमक देखते हैं, तो ये जरूर ही अध्ययन की चीज है कि तीसरी बार के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अगर इस तरह का जोश अगर लोगों में है तो शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखाई दे होगी कि थर्ड टर्म के लिए वहां किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए इतनी ललक होगी, इतनी लहर होगी। लाल जी, बिल्कुल, आप जब प्रधानमंत्री की बात का जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि इस बार की चुनाव की झलक तो जमीन पर दिखाई पड़ रही है और लोग खुद ही नारा लगा रहे हैं,
क्या वैसी ही झलक इस समय दौसा से दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, आप जब दौसा की नजारा को आप देखते हैं और इस गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में आप देखिए कि वहाँ के टेम्परेचर को आप अंदाज कीजिए, और लोगों के इस भीड़ को जब आप देखते हैं तो आप देखिए घंटों इंतजार करके दोनों बगल लोग जो खड़े हुए हैं, और वो सिर्फ एक झलक नहीं देखना चाहते हैं, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में अपने उत्साह और उमंग को भी दिखाना चाह रहे हैं। तो और हर को प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देखिए कि उस तरीके से तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कितने हुजूम में कारवा चला हुआ है। अब उस कारवा के तक पहुंचते पहुंचते प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 1-2 किलोमीटर चले होंगे। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ इतने किलोमीटर तक ऐसे ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये मानना पड़ेगा जो बात आप कह रहे थे कि ये जो लहर है उस जनता में ये लहर रही है, और फ्रंट फुट पे अगर आप कहिए कि इस चुनाव में अगर कोई खेल रही है तो जनता खेल रही है, राजनीतिक दल तो और राजनीतिक नेता तो पीछे है। और ये चीजें जब आप मोदी को देखते हैं और उनके साथ में वो जुलूस और उनके साथ में रोड शो का वो नजारा देखते हैं तो अद्भुत। ये शायद दुनिया के शायद किसी कंट्री में अपने किसी शासक, अपने किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नजारा हमें कभी देखने को नहीं मिला था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी मेहमान नेता के साथ जब उनको लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो जो लोगों का रिस्पांस होता है उसको देख करके कई विदेशी, बड़े विदेशी नेता भी कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो भारत में ही मिलती है, ये कहीं और नहीं मिल पाती इतनी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस। लेकिन अभी जैसे विशाल बैरिस्टो से हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता से, तो विशाल बैरिस्टो ने बताया कि दौसा में मीणा वर्सेस मीणा इस बार है, और हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी वहां रोड शो किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। नदी में इस कास्ट के समीकरण की जब बात आती है और जब ये राजनीतिक पंडित लोग ये कास्ट इक्वेशन को मिलाते हैं और बताते हैं तो शायद इतना यकीन करने वाला नहीं रहता है। किसी इलाके में मान लीजिए किसी की 10% सीट होगी, कास्ट का इक्वेशन होगा 20-15% होगा, लेकिन क्या ये सारे कास्ट में और सारे लोग जब तक नहीं मिलते अक्रॉस पूरे सोसाइटी तब तक आप जानते, हमें लगता है कि कोई पार्टी कैंडिडेट वहां पे अपना जीत का दावा कर सकता है? तो मुझे उन चीजों पे उतना भरोसा नहीं है। हमें ये भरोसा है कि जब आप ये लोगों में उत्साह और ललक देखते हैं, ये हाथ हिलाते हुए लहराते हुए लोगों की आप तस्वीर देखते हैं कि हर एक हाथ उस भीड़ में से खड़ी हुई है, हर उस भीड़ में से खड़ा है, तो इसमें आप कास्ट तो कम से कम नहीं गिन सकते कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन किसके लिए ये कर रहा है। वो पूरे उस समाज की, उस सोसाइटी की, उस पूरे एक संवेद स्वर इसको बोलते हैं, और जब ये स्वर बोलता है तब आप कहते हैं कि एक नेतृत्व की बात होती है, और तब आप कहते हैं कि पीएम मोदी इस दौर का सबसे बड़ा जननायक है। तो ये भीड़ बताती है, न कि हम पीएम के किसी स्पीच से और किसी इस बात से हम इस बात को समझते हैं, इन लोगों की इस भीड़ से, लोगों की उत्साह से समझते हैं कि भीड़ तो इस दौर में रोड शो में आप देख रहे होंगे सारे नेताओं की रोड शो होती है, सारे रोड नेताओं की अभी रैलियां हो रही है, लोग सब जगह वेलकम कर रहे हैं, हर जगह लोग जा रहे हैं, हर पार्टियों के नेताओं के लोगों में भीड़ जुटती है। लेकिन ये उत्साह और ये जो आंखों में चमक है, ये जो हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन है, ये शायद कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, यही फर्क है, ये फर्क नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान में, हम जानते हैं कि साल 2014 को ले लीजिए, 2019 को ले लीजिए, राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती, और पिछली बार भी उनके सहयोगी के साथ मिलकर के 25 की 25 सारी सीट जीती। इस बार भी प्रधानमंत्री ने पूरा लगता है कि ऐसा फोकस कर दिया है कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस चाहिए। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है लालचंद्र, जिन राज्यों में वो सभी की सभी लोकसभा सीटें जीती थी वहां पर उन सभी सीटों को फिर से इस चुनाव में जीतना है, और उससे मार्जिन ज्यादा हो, यानी जीत का जो अंतर है वो पिछले चुनाव के मुकाबले हर सीट पर ज्यादा हो, ये प्रयास बीजेपी कर रही है। इसलिए हर सीट पर, हर बूथ पर 370 मत ज्यादा मिले, इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, और इन तस्वीरों
से बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो बहुत उनको उनकी आशा बढ़ी भी होगी कि जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों में उभर रही भीड़ से बीजेपी को लगता है कि उनका जो एक लक्ष्य है 400 सीटों का एनडीए के साथ और 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर इस लोकसभा चुनाव में जीते, उसके लिए राज्य दर राज जो रणनीति बनाई गई है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उन्होंने जो अथक मेहनत की है पिछले 10 वर्षों में, जो देश में तमाम क्रांतिकारी काम हुए हैं, बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव लोगों के जीवन में आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो जमीनी स्तर पर बढ़ा है। नए मतदाताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में सफल रही है और ये संख्या दिखाती है कि दुनिया की आज सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। और हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के नेता चुनावों के ऐलान से पहले ही और लगातार हम देख रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण या तो बढ़ रहा है या फिर बीजेपी उसको बढ़ाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं और ये तस्वीरें उनके दावा को और पुख्ता भी करती हैं। जब हम देखते हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का तमिलनाडु हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा रोड शो में भागीदार होते नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक सुखद अनुभूति कराती हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में सहयोगी हैं या जिन राज्यों में वो अपने दम पर ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे राज्यों में निश्चित तौर पर उन्हें अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी चुनाव होता है राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन जब आप पहले से ही किसी राज्य में शानदार प्रदर्शन कर चुके होते हैं तो एक चुनौती होती है उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की, और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए 2014 के मुकाबले 19 में मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था और बीजेपी ने उसमें एक सफलता हासिल की थी, और 19 के मुकाबले अब 24 में बीजेपी ने उस मत प्रतिशत को और आगे ले जाने का रखा है, जिससे कि शानदार सफलता उन राज्यों में भी हासिल की जा सके जहां पर हमने देखा था कि एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, गुजरात जैसे राज्य हो या राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य जहां पर हमने देखे कि शानदार सफलता मिली थी। तो इस तरह से राज्य दर राज बीजेपी की रणनीति है, और अगर आप क्षेत्रवार देखें तो बीजेपी की कोशिश यह है कि इस बार दक्षिण भारत से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, उत्तर पूर्व में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, और जिन राज्यों में पहले से ही शानदार सफलता हासिल की गई है वहां अपने प्रत्याशियों के जीत का प्रतिशत आगे ले जा सके। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देख रहे हैं कि जमकर मेहनत कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को लगता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में जो 10 सालों में जो काम हुआ है और जो संगठन ने जिस उस काम को जिस तरह से जनता के बीच ले जाने का काम किया है उसका एक फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और ये तस्वीरें जरूर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए एक सुखद अनुभव करा रही होंगी। लालचंद, बिल्कुल ये तस्वीरें वहाँ से जो दिखाई पड़ रही हैं दौसा से वो भी बहुत कुछ अनुभव करा रही हैं। एक बात शैलेंद्र, कि हम जानते हैं कि दौसा की जब बात होती है तो पायलट का नाम आता है, राजेश पायलट और अब सचिन पायलट, लेकिन 2014 रहा हो या फिर 2019 भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भी परचम लहराया था, क्या इस बार यह सीट जो है वो हॉट सीट की श्रेणी में है दौसा? ये देखिए लालचंद, निश्चित तौर पर आप भले ही आप ये कहें कि या हम जानते हैं कि अगर आप पूर्व के राजनीतिक इतिहास को देखें राजस्थान के, तो पायलट परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता था, लेकिन आप 2019 की चुनावी सफलता देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी और उसको बीजेपी दोहराना चाहेगी इस पूरे क्षेत्र में, और यही वजह है कि आप जयपुर के आसपास भी देखें या फिर दौसा के इलाकों को देखें कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज
जो राजस्थान से आते हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सबने अपनी एक पूरी ताकत लगाई है और हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी धुआंधार दौरे हो रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चुनौती इस बात की है कि इन सीटों पर कुछ मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाए जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि जिन सीटों को जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में राजस्थान में उन सभी सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करे। और यही वजह है कि बूथवार एक रणनीति बनाई गई है और एक बात कही गई है कि हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार कमल का फूल है, यानी कमल के फूल को देखें जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, उम्मीदवार की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है, उनका जो लोकप्रिय चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के रणनीति के लिहाज से। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है। विनोद जी हमारे साथ अगर जुड़े हों तो विनोद जी के पास चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ में विशाल बैरिस्टो भी हमारे संवाददाता हैं जो दौसा से ही जुड़े हुए हैं। मैं पहले विशाल के पास ही चलता हूं और विशाल से अपडेट लेता हूं। विशाल, प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल बढ़ते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं विशाल कि राजस्थान में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस समय गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग आए हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। हाँ लालचंद, बिल्कुल ठीक है आपने, गर्मी अपने जोरों पर है और ना सिर्फ गर्मी है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी कटाई का सीजन भी चल रहा है और इसके साथ शादियों का सीजन भी जोरों पर है। ऐसे में गर्मी, शादियां और अपनी खेती, वो सब लोग छोड़ के अगर प्रधानमंत्री को देखने के लिए अपने अपने मोबाइल लेकर आते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बीजेपी के एडवांटेज में ये साफ जाता है। आपने शैलेंद्र से पूछा था कि क्या दौसा हॉट सीट है, डेफिनेटली दौसा हॉट सीट है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि दौसा एक जनरल सीट है लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, क्योंकि ये मीणा बहुल क्षेत्र है इसलिए मीणा कैंडिडेट्स को उतारा है, नैया लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है और दोनों में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है और उस पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बीजेपी को, वो बीजेपी के एडवांटेज में जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से सिर्फ कॉम्पिटिशन मिल रहा है बीजेपी को। अगर हम ग्राउंड रियालिटीज की बात करें, खासतौर से दौसा की सीट पर, आप जानते हैं कि दौसा परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं 2014 के बाद से बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली है और बीजेपी इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना जो उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की है उसको, अपने दबदबे को बनाए रखना चाहती है। मैंने करौली में विनय सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की थी जो राजस्थान के चुनावी इंचार्ज है बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि इस बार हमारा मुकाबला खुद हम ही से है, यानी कि बीजेपी इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट बीजेपी लास्ट परफॉर्मेंस। हम हर बूथ पर 50% से ज्यादा, पहले से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 24-1 का स्कोर रहा था, 24 सीटें बीजेपी के खाते में रही थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल विजय घोषित हुए थे नागौर से और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा था। और ये लगातार दूसरी बार है जब 2014 और 2019 में जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार आ गई है, विधानसभा चुनाव उन्होंने जिससे सेमी फाइनल पूरे मीडिया बता रहा था इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस को, उसको जीता, तो ये एक टेस्ट भी है भजन लाल सरकार के लिए। और जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। करौली में प्रधानमंत्री ने पीने के पानी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त से पीने के पानी की समस्या है, हम हर घर जल पहुंचा रहे नल के जरिए, लेकिन इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको भी हमने सफलतापूर्वक साइन कर दिया है, अग्रीमेंट साइन किया है हरियाणा के साथ। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जरूर फायदा मिलता है। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर लंबे समय से, चाहे वो कावेरी डिस्प्यूट हो, वाटर डिस्प्यूट हो, चला आ रहा है और वो पानी का कोई फैसला ही नहीं हो पाता, पानी समुद्र में चला जाता है, इसलिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार हो। और इसलिए उन्होंने वोटर्स से कहा कि आप बीजेपी को वोट इसलिए दीजिए क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी ना मौज करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी ना आराम करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी पैदा हुआ है मेहनत करने के लिए और मेरा एक ही सपना है
भारत को विकसित देश बनाना 2047 में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली की जनसभा में ऐलान किया है। लालचंद्र, बिल्कुल ये ऐलान किया है वहाँ की जनसभा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन चीज़ों को लेकर के कहते हैं और प्रधानमंत्री बार बार इस पर जोर देते हैं। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा, दर्शकों तक ये ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा आपके ज़रिए, कि आपने पहले भी बड़े बड़े रोड शो देखे होंगे, प्रधानमंत्रियों के भी रोड शो देखे होंगे, आपको पहले के रोड शो में, पहले के प्रधानमंत्रियों के रोड शो में और अभी के प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में क्या फर्क नजर आता है? देखिए लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के और भारतीय चुनाव का जो दुनिया भर में आकर्षण है वो यही है कि लोग इसमें खुल के जुटते हैं और लोग जो है अपने अपने नेताओं का उत्साह भी बढ़ाते हैं। ये अमूमन हर पार्टियों के लिए आप देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब लोग कंपैरिजन करते हैं, इसी चुनाव में लोगों के पास में एक पूरा का पूरा हम लोगों से ज्यादा अनुभव है, वहाँ लोगों के पास में लोग 5 बार 6 बार से वोट दे रहे हैं तो उनको एक अनुभव होता है अपने राजनेताओं को, अपने नेताओं को लेके कि और परफॉर्मेंस को लेके। तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसा कि हमारे दोनों रिपोर्टर भी बता रहे थे, शैलेंद्र भी बता रहे थे, विशाल भी बता रहे थे कि ये दौसा जो है वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि पायलट का गढ़ है। सचिन पायलट से लेके राजेश पायलट तक ने यहाँ पे अपनी पूरी पूंजी लगाई है। तो अब ये है, अभी भी इस बार भी इस प्रचंड लहर के बाद भी आप ये देखिए कि 2 विधायक जो है वो सचिन पायलट के समर्थक वहाँ जीते हैं जी। और इस बार भी जो कैंडिडेट है वो भी सचिन पायलट के समर्थक विधायक जो है उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के दारोमदार सचिन पायलट का है वहाँ से अपने नेता के लिए सब कुछ करना। अब उसमें अशोक गहलोत कितना उसमें भूमिका निभाते हैं ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये खूबी है कि जब आप देखिए कि वहाँ विधानसभा चुनाव में इतनी प्रचंड बहुमत से जीत के आने के बाद बीजेपी ने सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भजनलाल शर्मा को चुन के और उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ये शायद दुनिया में आप कह सकते हैं, भारत में तो कम से कम नहीं ही ऐसा होता होगा कि आप एक अनसंग जो आपके कार्यकर्ता है उसको उठा के आप सीएम बना देते हैं। ये हमने देखा एमपी में भी देखा, ये हमने राजस्थान में भी देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, वो नेता को लाके आप फ्रंट पे लाते हैं जो नेता आपके अंतिम कतार में बैठे हुए होते हैं। तो ये जो उत्साह है यहाँ कार्यकर्ताओं की, शायद ये उत्साह दूसरी पार्टियों में नहीं होती है क्योंकि हर कार्यकर्ता वहाँ पे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से कनेक्ट है। हर कार्यकर्ता की जो अपील, पीएम की जब अपील होती है तो वो हर कार्यकर्ता के साथ सामने से वो अपील को वो एकदम ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे लगता है कि एक कप्तान का आया हुआ वो आदेश है। तो ये जो स्पिरिट है, टीम स्पिरिट, ये बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी है जो शैलेंद्र भी बता रहे थे। उस टीम स्पिरिट के साथ में आप ये देखिए ये जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो भी इस भीड़ के साथ में है कि एक एक कार्यकर्ता इस दौसा के इसमें जुटे होंगे और उसके साथ लोगों का जो आकर्षण है पीएम मोदी का वो उसका एक प्लस पॉइंट होता है, वो एडवांटेज देता है जिसको आप वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसा रोड शो, आप जब कह रहे थे कि रोड शो ऐसा क्यों नहीं होता दूसरे का, तो रोड शो होता है। आप इस शहर में आप घूम ले 1 किलोमीटर के दौड़ में तो बहुत लोग देखने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन ये लंबा रोड शो कहीं 5 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर, गुजरात में हम लोगों ने पिछली बार देखा 18 किलोमीटर का रोड शो, और उस इतने बड़े रोड शो में दोनों बगल लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े हैं, हजारों हजार के संख्या में खड़े हैं। आज आप दौसा का ही सीन दिख लीजिए, आपको लग नहीं रहा होगा कि कोई उसमें से जवान हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, जो घर में होंगे वो सब के सब निकल के बाहर आए होंगे पीएम मोदी को एक तरह से अभिवादन देने के लिए, एक तरह से उसका अभिवादन लेने के लिए। तो ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये नरेंद्र मोदी को इस दौर का सबसे बड़ा जननायक बनाता है। तो इसके पीछे ये लोगों का आकर्षण है, इसके पीछे लोगों का उत्साह है। इस उत्साह को जोड़ने में वहाँ के वो कार्यकर्ता भी है, वहाँ के वो लोकल जो वहाँ के वहाँ पे टीम है उसकी भी है कि वो इस मोमेंटम को बनाते हैं सिर्फ इस बात से कि मोदी अपने हर कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो सबके साथ कनेक्टेड है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है लाल जी। और वो कनेक्शन बिल्कुल
जिसको कहते हैं रेसिप्रोकेट होना, वो दिखाई पड़ता है दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जिस तरह से अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं और जिस तरह से वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय भी अभिवादन का आदान प्रदान करती है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज जैसे प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो रहा है, दो जनसभाएं भी प्रधानमंत्री ने की उधमपुर में और बाड़मेर में, तो प्रधानमंत्री का जो ये चुनावी कार्यक्रम तय होता है, इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है क्या, कि जिसमें कि जनसभाएं भी हों, रोड शो भी होते रहें प्रधानमंत्री के देश के अलग अलग हिस्सों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना संभव हो सके उतनी उनकी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित करती है और उसमें जनसभाएं हो, रोड शो हो और बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो, ये कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि हर राज्य में रोड शो भी हो, चुनावी जनसभाएं भी महत्वपूर्ण जगहों पर हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो दिखाई दे रहा है, रोड शो हो रहा है। हमने चेन्नई में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जहाँ पर पूरे तमिलनाडु में पहले चरण में मतदान होना है, राजस्थान में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। इसके साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक नगरी है, जब वहाँ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा, और तमाम हम धुआंधार जनसभाएं तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभा के साथ साथ रोड शो आयोजित कर रही है। इसकी एक वजह भी है, बीजेपी ये बखूबी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है वो आम जनता के साथ कितना गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद में यकीन करते हैं और जितना संभव होता है वो विभिन्न राज्यों के दौरे करते हैं, वहाँ लोगों से संवाद करते हैं और उनका एक सीधा कनेक्ट, खासतौर पर हम युवा वोटर्स में और महिला जो वोटर्स हैं, जो लाभार्थी योजनाओं से जिनको फायदा हुआ है, जो कल्याणकारी योजनाओं से जिनका जीवन बदला है, उनमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विशेष प्रेम दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने तमाम योजनाओं से उनका जीवन बदला है, तो वो एक कनेक्ट दिखता है। और दुनिया के एक सबसे बेहतरीन भाषण शैली वाले नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, तो कैसे जनता से कनेक्ट करना है चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ के स्थानीय जो परिवेश होता है उससे कनेक्ट होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति होती है उसका जिक्र करते हैं, तो इससे लोगों को के बीच कनेक्ट होने में एक तरह से बहुत आसानी भी होती है और एक रिस्पांस दिखाई देता है। विनोद जी बात कर रहे थे कि बाकी नेताओं की भी जनसभा होती है, बाकी नेताओं के भी रोड शो होते हैं, लेकिन वो कनेक्ट शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनके चुनावी जनसभाओं में दिखाई देता है वो बाकी नेताओं में नहीं दिखाई देता। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है लोगों से जुड़ने की वो अलहदा है, वो बहुत शानदार है और दुनिया इस बात को जानती है, तभी तमाम सर्वे में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर आते हैं। और बीजेपी के लिए तो एक तरह से बीजेपी इस बात को जानती है कि उनके लोकप्रिय नेतृत्व में वो चुनाव दर चुनाव एक नई सफलता हासिल करती जा रही है, चाहे राज्यों के चुनाव हो या फिर 2014-2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर बीजेपी 2024 में जो एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। तो इन तस्वीरों में दिखता भी है, जब कोई घंटों से इंतजार करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कोई छात्र कलाकृति बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है, कोई महिला ये बताना चाहती है कि कैसे उसका जीवन बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की योजनाओं से, तो वो कनेक्ट दिखता है। चुनाव जब नहीं भी हो रहा होता हम देखते हैं कि जो तमाम सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगती है वो प्रयास करते हैं कि लोगों से वो संवाद कर सकें और वो एक सिलसिला निरंतर चलता है और ये कोई एक दिन या एक वर्ष में नहीं हुआ। लालचंद, हमने देखा है कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर और उससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अथक परिश्रम किया है जिससे कि एक सकारात्मक बदलाव पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर वो लाने में सफल हुए हैं। तो वो एक झलक इन तस्वीरों में दिखाई देती है, ऐसे रोड शो में दिखाई देती है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी कर रहे थे। तो ये तस्वीर बताती है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब कोई नेता मेहनत करता है, जब कोई नेता जनता के कल्याण के लिए तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करता है तो उस नेता को जनता का प्यार मिलता है, जनता का रिस्पॉन्स मिलता है और इस तरह की तस्वीरें उस बात की गवाही भी देती है। तो आप देख रहे हैं जगह जगह जो रोड शो हो रहे हैं उसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लालचंद, बिल्कुल ये तस्वीरें
जिस तरह से आ रही हैं उन्हीं में से ये दौसा की तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज ये रोड शो हो रहा है दौसा में, प्रधानमंत्री का जो जनसंघ के ज़माने के वरिष्ठ नेता गोवर्धन लाल बढ़ेरा हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम था। विशाल, आप तक आवाज आ रही है? विशाल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। विनोद मिश्र जी के पास चलते हैं। विनोद जी अगर जुड़े हुए हों, विनोद जी, जिस तरह से कि अभी प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है, इससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है उसमें उनकी दो कोशिशें हैं, एक तो जहां पर सफलता मिली है उसको कायम रखा जा सके और बाकी जहां पर सफलता नहीं मिली थी उन वहां पर भी जीत दर्ज की जाए। तो उसी के तहत ये पहले प्रयास के तहत कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें वहां पर कमल खिले, इसके तहत प्रधानमंत्री की ये कोशिश। डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बीजेपी की ये पूरी कोशिश होगी कि कम से कम उस अपने परफॉर्मेंस को 2019 के परफॉर्मेंस को कम से कम वो सामने में लाए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि यहाँ पे और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या दूसरी और पार्टियां हैं, बीएसपी भी वहाँ है, हर पार्टियों की अपनी जरूर कोशिश होगी कि वो भी कम से कम वहाँ अपनी उपस्थिति में एक बढ़िया प्रेजेंस दिखाए। तो ये चीजें तो अपने आप में ये है, ये आप कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में और इस चुनाव में इसको आप एक बड़ा ये मान सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती है। शायद कांग्रेस भी उसी तरह की कोशिश कर रही होगी या बीएसपी भी कर रही होगी, जो जिस तरह की कोशिशें आप ये देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जनता के बीच में जाने के पास में आपके सामने में मुद्दे क्या है। जनता में जब पीएम मोदी जाते हैं और मोदी की गारंटी बोलते हैं तो मोदी की गारंटी कहने के साथ में जनता को वो चीजें सामने में दिखती है और जब वो दिखती है तब उसे लगता है कि ये नेतृत्व है जो कम से कम जो कहा वो किया और करके दिखाने वाला वो नेतृत्व होता है। तब ये तीसरे टर्म के लिए लोगों में आप एक ललक देखते हैं और एक तरह से विश्वास देखते हैं। ये पूरे के पूरे चीज जनता से किसी नेता का जो एक लिंक होता है, जो आप इस सेनेटर बता रहे थे, उसमें विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लाल जी, आज के दौर में नेतृत्व को सबसे बड़ा ये उसके चैलेंज होती है कि लोगों में वो विश्वास पैदा करे, लोगों में वो विश्वास पैदा करे कि उसके नेतृत्व देने की क्षमता उस पर है। अभी आप देख लीजिए कि जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे में ये कहा पूछा जाता है कि अगर वो पहला सबसे पहला वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल क्या होता है, तो उसका जवाब होता है कि सबसे पहले उनके मन में पीएम कैंडिडेट होता है। तो इस पीएम कैंडिडेट के नाम पे, एक नेतृत्व के नाम पे जब इंडिया गठबंधन के सामने में लोग देखते हैं तो शायद अभी उसके सामने में कोई चेहरा नहीं दिखता है। तो हम लोग बात कर रहे थे लाल जी, अपने कई अभी अपने प्रोग्राम सब में इसकी चर्चा की है कि इस बार भी लोगों के मन में और मुद्दे के अलावा स्टेबिलिटी भी एक बड़ा मुद्दा है स्थायित्व का। तो 30 साल से ज्यादा हुए इस देश ने देखा है मिलीजुली सरकारों का, और मिलीजुली सरकारों का हश्र क्या होता है ये भी लोगों ने देखा है। तो ये कम से कम 2014 से नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इस सत्ता के शीर्ष पे आने के बाद, जो लोगों ने स्टेबिलिटी देखा उसके साथ बड़े फैसले भी देखे हैं। क्या ये देश कभी कल्पना कर सकता था कि आर्टिकल 370 हट जाएगा? क्या ये देश कल्पना कर सकता था कि 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला अपने उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे? क्या ये देश कंप्लेन ये इस तरह का कल्पना कोई देश के लोग कर सकते थे कि इस देश में एक देश का एक टैक्स होगा? तो इतने सारे बदलाव लोगों ने देखा है, उसके बरक्स में जब आप अपोजिशन में देखते हैं तो जब उसके लिए उस तर्क करते हैं तो अगर राहुल जी सीधे सीधे वो जीएसटी पे चैलेंज करते हैं तो वो अपना फेलियर नहीं बताते हैं कि ये जीएसटी कम से कम यूपीए के दौर का आइडिया था या उससे पहले बीजेपी के समय भी एक बार चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, जो आपको याद होगा अपने कवर करने के दौरान। लेकिन क्यों नहीं ले पाए तो इसके पीछे कारण होता था स्थायित्व, कि उस सरकारों में एक बड़े फैसले लेने का वो दम नहीं होता था, एक मोरल जिसको आप बोलते हैं वो मोरल उसका उस तरह में उतना हाई नहीं होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में ये कम से कम आज कई लोगों को शिकायत नहीं है कि
कि नरेंद्र मोदी इस फैसला लेने में कभी भी किसी तरह का हिचक करेंगे। तो ये राजस्थान के दौसा में जो आप देख रहे हैं, तो लोगों के सामने में एक चेहरा वो भी होता है कि ये फैसला लेने वाला लीडर है। बिल्कुल। और ये फैसला लेने वाला जो लीडर का जो एक इमेज होता है लाल जी, उसको हम आप बेहतर जान सकते हैं कि उसका एक परिवार में भी जो फैसला लेने वाला गार्जियन होता है उसकी भी एक अलग भूमिका होती है। तो ये जो दौर में इलेक्शन हम देख रहे हैं उसमें जब आप देखते हैं उसमें जो अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं उसके बरक्स में लोग इन चीजों से कंपैरिजन करते हैं। अब राहुल गांधी जब कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट 1 लाख रुपए का पहला किस्त 8,500 रुपए आएगा जी, कैसे यकीन कर ले लोग कि वो रात के बाद जो अगले सुबह उठेगा उसके अकाउंट में 8,500 रुपए आके पड़े होंगे। लेकिन लोगों को ये यकीन मोदी ने दिलाया है कि जो किसान सम्मान निधि है उसके उसके तिमाही किस्त सेम डेट को उसके अकाउंट में पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज जब आप देखते हैं तो लोग आज की तारीख में बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, अवेयर है। कई दशकों के बाद लोग इतने अवेयर हुए हैं इलेक्शन में पिछले वर्षों से, तो उनको आप नैरेटिव से भरमा नहीं सकते हैं। उनके लिए आप सामने में एक ठोस मुद्दा लेके जाना पड़ेगा। आप अगर कहते हैं यूपीए में आप एनडीए इंडिया गठबंधन में कि भाई हम आटा से लेके डाटा तक खरीद देंगे, तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि भैया ये डेटा से आटा तक जो आप आटा से डेटा तक का जो खरीदोगे ये किसका पैसा है, वो उसी लोगों का पैसा है। तो दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, ये भी लोग जानते हैं कि आप इधर से एक काम इधर से ना छुओ और इधर से दूसरा छुओ, तो वो लोगों को ही ये पता है ये किसी भी ना किसी रूप से ये हमें ही देना पड़ेगा, हमें ही पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बरक्स आप जब देखते हैं कि पीएम मोदी जब ठोस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, तो इस देश ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में 12 करोड़ शौचालय बन जाएंगे, इस देश ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में नल से पीने का शुद्ध जल जो है वो 8 करोड़ लोगों के घर में पहुंच जाएगा पिछले 4-5 साल में। तो ये सारी ये नहीं कल्पना की होगी कि 4 करोड़ गरीब लोगों का पक्के मकान बन जाएंगे, ये भी कल्पना नहीं की होगी कि इतने करोड़ जो बीपीएल के लोग थे उनके घरों में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। तो लाल जी ये सारे क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव लोगों ने देखा है। इस बदलाव को आप सिर्फ गरीबी हटाओ के नारा देके और अकाउंट में आपके 8,000 आएंगे और खटाखट आपके पास में सीधे 8,000 पहुंच जाएगा, इससे बात नहीं बनती है। इसके लिए करके दिखाना होता है और आपने जो अब तक नहीं किया है वो आप लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकते हैं। लोगों को अपने नेतृत्व पे भरोसा है कि कल जो भी कुछ करेगा वो पीएम मोदी करेगा। लोग कह रहे थे कि अगर ये ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो वो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि ये करने वाला कौन है सामने में। तो वो सामने में करने वाला अगर पीएम मोदी है तो इसलिए लोगों की आप ये भीड़ देखते हैं जो उसके साथ विश्वास का ये कनेक्शन है, और यही विश्वास पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल, वो आधार है विश्वास का, जो आधार है वो बंधन है, वो दौसा में भी प्रदर्शित हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थायित्व को, मजबूत सरकार को भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देश भर की जनता को अपील करती हुई नजर आ रही है क्या? शैलेंद्र आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार सवाल दोहराएंगे क्या? हाँ, मैं सवाल ये कर रहा था कि स्थायित्व को और मजबूत सरकार को, स्थायी और मजबूत सरकार पर प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इस बार के चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्से में भी जा रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जनता को ये बखूबी पता है कि स्थायी सरकार के कितने फायदे होते हैं और हमने देखा कि अपने दम पर 30 साल बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी तो उसके अपने फायदे भी नजर आए हैं। राज्यों में भी जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार देखते हैं तो ऐसी सरकारें स्थायित्व देती है और ये कहा जाता है कि स्थायी सरकार ही
विकास की गति को आगे बढ़ा सकती है, तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। तो वो एक मुद्दा है। बीजेपी ये कहती है कि देखिए, एक तरफ केंद्रीय गठबंधन के लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए या फिर अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, और उनमें कोई विजन नहीं है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध और बीजेपी के विरोध के लिए हुए हैं। तो इस बात को जनता तक पहुँचाने की जोर शोर से कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। और हमने देखा है कि बीजेपी को लगता है कि परिवारवाद भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थायित्व का जो मुद्दा है उससे वो बीजेपी जनता को लुभाने में कामयाब होगी। और यही वजह है कि इस बात को बहुत बीजेपी कहती है कि 2014 के बाद आप देखिए, जब स्थायी सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में आई, जिसमें तमाम दलों एनडीए के साथ सहयोगियों को भी साथ लिया गया, तो उसने तमाम बड़े फैसले किए, तमाम ऐसे फैसले किए जिसका दशकों से इंतजार था। तो वो दिखाई देता है स्थायित्व सरकार के, स्थायी सरकार के कितने फायदे होते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता उसको पसंद करेगी, जनता उसको रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई, दो बार अगर लगातार स्थायी सरकार रही, मजबूत सरकार रही, तो उसके फायदे जो हैं वो देश भर में लोगों ने देखे, विदेशों से भी उस तरह का रिस्पांस मिला, तमाम तरह की चीज़ें हुई। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, जो ये मुद्दा है स्थायी और मजबूत सरकार का, प्रधानमंत्री इस पर भी खासा जोर दे रहे हैं, और ख़ासतौर पर उसको देश की सुरक्षा, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, उससे भी जोड़ करके बता रहे हैं कि स्थायी और मजबूत सरकार है, तभी तो किसी को, किसी आतंकवादी को उसके घर में घुसकर भी मार आते हैं। लाल जी, मैं आपके सवाल लेने से पहले जो ये जनता की और लोगों की जो भीड़ को, दौड़ते हुए भीड़ को मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो ये मुझे अद्भुत नजारा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो पीछे के लोग दौड़ करके फिर से आगे आ जा रहे हैं। तो लोग ऐसा नजारा जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि ये भारत के लोकतंत्र जो दुनिया में सबसे अलग है, शायद ही इतना सुंदर देश और इतना सुंदर लोकतंत्र शायद ही आपने दुनिया के देश में कहीं भी इस तरह के लोकतंत्र की ये खूबी देखी होगी, ये उत्साह देखा होगा जब चुनाव के समय में हम देखते हैं। ये सचमुच में ये नजारा जो है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जीत हार का फैसला तो लोग करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब ये नजारा देखते हैं तब ये लगता है कि क्या इस दौर में ये जितने नैरेटिव्स दिए जाते हैं, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, क्या इस भीड़ देख के कम से कम उनको सोचने पे एक बार जरूर मजबूर नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल। क्या ये लोकतंत्र बचाओ और